वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पपीते के पत्ते का सही तरीके से रस निकालने का दोस्तों विधि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। और इस पपीते के पत्ते का रस पीने के सही तरीके से और कितने फ़ायदे हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरी तरीके से जानकारी लीजिए, नहीं तो वरना दोस्तों आप पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सिर्फ आपका 5 मिनट से 6 मिनट का समय लेंगे दोस्तों, और आपको पपीते के पत्ते के पूरी तरीके से जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाले हैं दोस्तों। पपीते के पत्ते को बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर में अगर किसी भी प्रकार का बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, किसी भी प्रकार के दोस्तों अगर हमारे शरीर में बुखार है और हमारा प्लेटलेट डाउन हो चुका है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको इस चीज़ का बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमें लेनी है पपीते के पत्ते, जो कि 2 पपीते के पत्ते दोस्तों जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें ले लें। ऊपर के जो दोस्तों नरम कली निकले रहते हैं उसे लेना है पपीते के पत्ते को दोस्तों, और उसे अच्छी तरीके से धो लेना है दोस्तों। धोने के बाद दोस्तों उसे छोटे छोटे पीसों में कट कर लेना है। पपीते के पत्ते को सब्जी की तरह काट लें छोटा छोटा, और दोस्तों इसे मिक्सर में पीस लें, या मिक्सर नहीं है तो किसी भी तरीके से उसे पीसने की कोशिश करें दोस्तों। उसे पीस लें और एक दोस्तों सूती कपड़े में उस पीसे हुए पेस्ट को रख कर उसे अच्छी तरीके से निचोड़ लें दोस्तों, और उसका जो खुज्जा बचता है उसे फेंक दें। और उस जूस को दोस्तों उस दूध को, उस पेस्ट को आप जो उसमें से निकला हो दोस्तों उसे अपने पास रख लें। और दोस्तों आप लीजिए बकरी का दूध दोस्तों, जितना आप जूस निकाले हैं पपीते के पत्ते का उतना ही बकरी का दूध लेने के बाद दोस्तों दोनों मिक्स कर लें दोस्तों, और इसे आप पी लीजिए दोस्तों। और इसे हम जानेंगे इसके फ़ायदे दोस्तों। इसके फ़ायदे यह हैं कि मलेरिया आपको अगर हुआ है, या टाइफाइड हुआ है, या चिकनगुनिया, या डेंगू, किसी भी प्रकार का बुखार आपको खतरनाक से खतरनाक बुखार हुआ है, बुखार में दोस्तों प्लेटलेट डाउन हो जाता है, जैसा कि आप लोगों को डॉक्टर ने बताया ही होगा, अगर आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा तो कि बताया होगा कि दोस्तों प्लेटलेट आपका कम हो गया है, तो दोस्तों इसके लिए आप इसका, और दोस्तों आप इसे पी लें। और दोस्तों इसके बारे में, अगर आपका प्लेटलेट डाउन हो चुका है तो आप अगर इसे सुबह और शाम दोनों टाइम अगर आप पीते हैं इसे, तो आपका बुखार बहुत ही जल्द कम ख़त्म हो जाएगा और आपका प्लेटलेट बहुत ही जल्द से जल्द बढ़ जाएगा दोस्तों। आप प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, और आपके भी फल जो कि दोस्तों मार्केट में 25 से 30 रुपए का एक पीस आता है दोस्तों, आप उसे रोज़ सुबह में एक खाएं और आपका प्लेटलेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करता तो बनता है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं आपके लिए अगर ऐसी वीडियो लाऊं तो आपको दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।